हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक, फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं। तो आज का टॉपिक क्या है, तो थंबनेल देखते लोग पहचाने गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है कि जीमेल आईडी कैसे बनाए जाते हैं। जो स्कूल सब में जो जीमेल आईडी बच्चों सबके जो जीमेल आईडी मांगा जाता है, तो वो जीमेल आईडी को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद उसको प्रिंट आउट, प्रोफेशनल प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आप लोग उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम इजी तरीका से। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। चलिए सबसे पहले क्रोम खोलना है, क्रोम खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा जीमेल आईडी क्रिएट, जैसे मैंने यहाँ टाइप पहले कर चुका है, इसलिए जीमेल आईडी क्रिएट हो जाइएगा। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं ऐसा वीडियो लाते रहता हूँ। उसका देखिए क्रिएट जीमेल अकाउंट में जाइएगा। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, फिर यहाँ नाम डाल दीजिएगा, नाम जैसे डाल दीजिएगा, जैसे मैं कौन नाम डाल दिया कुंदन, यहाँ पे डाल दीजिएगा शर्मा। शर्मा डाल दीजिएगा। यहाँ पर कर दीजिएगा यूजर नाम, डाल दीजिएगा KUNDAN, वो डालिएगा जो पहले नहीं डाले हुए, कुंदन मर्चा हम कर दिए अपने यहाँ पे, एड्रेस है मेरा मर्चा, कुंदन मर्चा 1234, नंबर टाइप कर दीजिएगा। फिर पासवर्ड डाल दीजिएगा, कैपिटल में शुरू में कैपिटल लिखिएगा, उसके बाद स्मॉल, पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे खींचिएगा, एकदम प्रिंट आउट निकलेगा स्कूल का, स्कूल में जो जीमेल आईडी दिया हुआ रहता है उस हिसाब से प्रिंट आउट निकलेगा। यहाँ मेल डाल दीजिएगा, जो है जेंडर फीमेल मेल, उसका नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। फिर सेंड ओटीपी जाएगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। वेरिफिकेशन कोड आएगा जो नंबर डाले हुए हैं उस पर, 21 30 28, उस पर वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर यस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, नीचे एग्री पर क्लिक कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में जाना, प्रिंट आउट निकाल के प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में जाइएगा, फिर कंट्रोल पी कीजिएगा, कंट्रोल पी मारिएगा। उसके बाद देखिए किसी किसी में यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है, तो पेपर में जाइएगा, कस्टमाइज में जाइएगा, यहाँ पर 1 मारिएगा, आपको सिंगल पेज आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट अपने हिसाब से मार सकते हैं, यहाँ प्रिंट मारिएगा, हो जाएगा। तो देखा आपने कितना अच्छी तरीका से मैं आपको बता दिया, तो ऐसे सेम टू सेम प्रोसेस कीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा, तो कितना ईजी है। तो अगर चैनल पर सब्सक्राइब है तो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई दोस्त को, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहता हूँ आप लोग के लिए। लाइक कीजिए, थैंक यू।